क्या हो गया? एक जोरदार चीज हुई आज। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैं सुबह सुबह मेरे दिन की शुरुआत कर रही हूँ मेरे ब्रेकफास्ट से, क्योंकि आज मुझे जल्दी जाना है सैलून। जल्दी क्या, बहुत जल्दी जाना था, पर मैंने क्लाइंट्स को बोला थोड़ा सा लेट आना, क्योंकि घर के काम भी निपटने पड़ते हैं इसलिए। तो आज मेरी है दोस्त एक साथ स्मूथनिंग और मैं हूँ अकेली, कोई मेरी हेल्प करने के लिए आज है नहीं, क्योंकि स्मूथनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें सब टाइम टू टाइम होना चाहिए और बीच में दूसरे क्लाइंट्स नहीं ले सकते, सिर्फ जिन क्लाइंट्स का काम चल रहा है उन्हीं का चलेगा आज पूरा दिन। और आज मैं सॉलिड थकने वाली हूँ। आज मम्मी पापा नहीं हैं तो चिक्को और मेरे लिए ही मुझे खाना बनाना है। चिक्को के डाइट में है वेज दलिया, तो अभी ब्रेकफास्ट करूँगी, फिर वेज दलिया बना दूँगी जल्दी से, एंड फिर तो मुझे जाना है भाग कर, 9:30 तो हो गई है। चिक्को नहाने गए थे तब तक मैंने सोचा कि मेरा ब्रेकफास्ट मैं भी होल्ड कर देती हूँ, क्योंकि हम दोनों साथ में ही करते हैं हमेशा ब्रेकफास्ट। मैंने सोचा कि चलो पहले दलिया बना देती हूँ, तो दलिया बन गया है और देख लेते हैं कि पक गया है कि क्या है। चलो अच्छी तरीके से बन भी गया है और पक भी गया है। और इसको कर देती हूँ मैं टिफ़िन में पैक, और मेरे को ये साथ में ले जाना है, थोड़ा सा खुला छोड़ देती हूँ क्योंकि ठंडा होगा तो मैं टिफ़िन में पैक कर पाऊँगी। और अभी चिकू तो जा रहे हैं शॉप पर, और यहाँ पर लगा रहे हैं परफ्यूम। कौन सा लगा रहे हो बताओ? दो मेरे काम का है, मैंने रोज़ नए नए परफ्यूम कहाँ से लाते हो? बाप रे, इस आदमी का क्या होगा, ये मेरी पूरी सोनम कपूर है। पड़ा हुआ था ना यहाँ? अच्छा, यहाँ पड़ा हुआ था ये एक और पड़ा। पर तुम, मैं हो गई हूँ रेडी, टिफ़िन कर दिया है पैक, लगभग सब चीज़ें ले ली हैं। दही लेना है तो मार्केट से ले लूँगी, चिक्को भी खाना खाने आज वहीं पर आएंगे। और सब लॉक कर देती हूँ, रूम्स वगैरह, लाइट्स वगैरह सब चेक कर लेती हूँ। मिट्टू के लिए यहाँ पंखा चालू रखती हूँ, और कुछ खाने का तो ख़त्म हो चुका है, सर जी के खाना खाना दे देती हूँ। चलिए चलते हैं शॉप पर, चिक्कू को कर देती हूँ कॉल और फिर हमको जाना है। ठीक है, चलो डायरेक्ट अब शॉप पर जाके ही मिलूँगी। अभी आ गई हूँ सैलून पर, और जैसे कि है दो स्मूथनिंग तो उसके हिसाब से प्रिपरेशन करके रख देती हूँ, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। दोनों फ़ोन निकाल लिए, एक मेरा पर्सनल और एक है सैलून का, और चाबी भी रख देती हूँ, पर्स रख दिया है अंदर। एक बार बाहर वाली शॉप पर जाके चेक कर देती हूँ सब कंप्लीट है या नहीं। अभी बज रही है 8:00 और मैं 11:00 यहाँ पर आई थी। एक सेकंड भी मैं आज फ्री नहीं रही हूँ, दो स्मूथनिंग थी एक साथ, बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मैंने सोचा था कुछ ना कुछ तो शूट करूँगी, पर कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे साथ में स्मूथनिंग थी और साथ में कस्टमर्स भी चालू थे, इसलिए मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई, इसलिए मैं लेट हो गई हूँ। आज घर जाऊँगी, खाना वगैरह खाना है, मेरी हालत भी देख सकते हो, मैं कितनी ज़्यादा थक गई हूँ और अभी घर जा रही हूँ। ये सारे आज शॉप पर काम हुआ है तो इतने सारे टॉवल्स हैं, घर जाके टॉवल्स भी धोने, क्योंकि यहाँ पर हो गए टॉवल्स ख़त्म, क्योंकि ज़्यादा मैं गंदे होने नहीं देती हूँ। अगर एक वॉश में यूज़ हुआ है तो वो धुल ही जाएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा हाइजीन का ज़्यादा ध्यान रखना पसंद है और रखना भी चाहिए, क्योंकि अभी जो भी लोग आ रहे हैं वो हाइजीन देखकर ही आ रहे हैं, और जो अपनी सर्विस है वो तो बेस्ट होनी चाहिए, प्लस साथ में हाइजीन भी अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए। और सब कंप्लीट क्लीन कर दिया है सैलून, और अच्छे से सैनिटाइज भी कर दिया है, और प्यास लग गई है तो पानी भी पी लेती हूँ साथ में। क्या हो गया, चलिए अब चलते हैं, पानी थोड़ा सा डूब गया है, पर बेचारी कल बाई जी आ जाएगी, बाई जी कर देगी। आज बाई जी भी नहीं आई थी क्योंकि बाई जी हो गई थी लेट, क्योंकि घर पे मैंने जल्दी बुला दिया था, क्योंकि मुझे आना था सैलून। कैमरे को रखना पड़ेगा साइड में क्योंकि दोनों थैले हैं भरे हुए। ओहो, कैसा मुंह कर रहा है, मिला है तू हमसे, क्या नाम है तेरा? चलता है क्या? गुस्सा भी बहुत करते हैं। हाँ, जोरदार। आना है कैमरे में? तू कल के व्लॉग में आएगा, आ जाना है ना?
भोलू मोलू है वो, अब स्कूटी पे जाना है। घर आ गई हूँ और आप देख सकते हैं आपके लिए कितनी ज़्यादा एनर्जेटिक रहती हूँ मैं, है क्योंकि मैं सोचती हूँ कि यार एनर्जेटिक मैं अगर व्लॉग नहीं बनाऊँगी तो मेरी ऑडियंस को मज़ा भी तो नहीं आएगा देखने का, तो वही चीज़ है। और अभी मैं सारे टॉवल्स ले आई हूँ तो धो के सुखा देती हूँ, क्योंकि धो के सुखाऊँगी नहीं तो फिर कल काम कैसे करूँगी। तो एक बार सर्फ वगैरह भिगा देती हूँ और ये जो हमारा मशीन है वो पैक कर दिया है, तो इसके ऊपर इसका घूंघट निकाल देते हैं, पाइप लगा देते हैं, ड्रेन ऑफ कर देते हैं, पानी भर जाएगा तो फिर क्या है ना इसके अंदर हम डायरेक्ट भिगाना ही रहेगा। ये है सर्फ, तीन चम्मच सर्फ, तीन नहीं ढाई चम्मच सर्फ डालना पड़ेगा, ठीक है। ढाई चम्मच सर्फ डल चुका है और ये डब्बा वापस रख दिया और हमारे कप रुमाल है वो सारे धुल जाएंगे, टॉवल बंद कर देती हूँ, यानी थोड़ा सा सर्फ है वो भीग जाएगा, थोड़ा सा गोल गोल भी घुमा देते हैं, इस टाइप से गोल गोल घुमा देते हैं। इससे क्या होता है ना कि सर्फ अच्छे से गल जाता है और वो हमारे फैब्रिक्स को अच्छे से वॉश करता है। और रूम लॉक किया था तो रूम खोल देती हूँ। चिकू और हम दोनों ही हैं आज घर पे, पापा मम्मी हैं नहीं, खाना वगैरह कुछ ज़्यादा बनाना नहीं है, ज़्यादा क्या खाना तो बनाना ही है। दूध कर दूँगी गर्म और चिकू की डाइट में मिल्क, तो मैं भी मिल्क ओट्स ही खा लूँगी। सबसे ज़्यादा सुकून है घर पे आके, घर पे आके अपने बेडरूम में सोने में, यही है ज़िंदगी। पर इस ज़िंदगी में पंखा चालू नहीं, ए सी चालू नहीं, अभी करेंगे। और आज मैंने दो स्मूथनिंग करी थी, मैं थंबनेल में फ़ोटो डाल दूँगी, देखना आप, एंड में हो सका तो डालूँगी, क्योंकि मुझे करना था शूट पर बैक टू बैक। आप खुद समझते हो कि एक स्मूथनिंग करने में ही इतना टाइम लगता है, दो स्मूथनिंग साथ में थी, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गया, क्योंकि यानी फुल बिज़ी डे था, बिज़ी डे होना मेरे लिए कोई ज़्यादा यानी टेंशन की बात नहीं है, मुझे बिज़ी रहना पसंद है, पर साथ साथ में ऐसा है ना कि मेरा दिन अच्छा भी जाना चाहिए। आज पूरा दिन इतना ज़्यादा बातें वगैरह की, मज़े आ गए, क्लाइंट भी ज़ोरदार थे और मस्तियाँ वगैरह करी, यानी काम करना बहुत अच्छा लग रहा था। और चिकू आ गए हैं जैसे कि रुमाल लेके, हाँ तुम्हारा सामान है इधर ही रख दो, उधर साइड, उधर साइड वॉशिंग मशीन के पास में जैसे कि मैंने आपको बताया था हाइजीन कंप्लीट प्रोटेक्ट करेंगे हम। ये टिफिन जो मैं आज सुबह लेके गई थी तो इसको भी धोने के लिए डाल देते हैं। खाना अच्छे से खा पाए? मेरे को तो काम में इतनी बिजी थी, सही से खाना ही नहीं खा पाई मैं। चलो अब चिकू भर रहे हैं अभी हैंड वॉश बॉटल में, ये भी शूट करके आपको बता देते हैं। ये सब चीज़ें चिकू ही करते हैं क्योंकि इनको करने में बहुत मज़ा आता है। सही बात तो ये है इस चीज़ क्या है, बहुत फास्ट भर दिया तुमने तो, स्टाइल होती भरने की। एक जोरदार चीज़ हुई आज, यानी आज जो भी मेरी शॉप पर क्लाइंट्स आए थे, मेरा फेस ओनली फॉर लोग यानी मेरे व्लॉग्स में ही देखते हैं, लगभग व्लॉग्स में ही देखते हैं, तो वो सब जने यानी बार बार कहते हैं आपका मुंह दिखाओ ना एक बार, आपका मुंह दिखाओ ना एक बार, यानी लगभग जितने भी लोग आते हैं। और फिर आप क्या लगाते हो फेस पर, आपका फेस इतना ग्लो करता है, क्योंकि जो भी अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया फेस पर, जो सुबह लगा हुआ रहता है वही है मिशेल जो मैं यूज़ करती हूँ। और मैं सच बताऊँ मुझे फेस वॉश करने का भी दिन में टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि आप खुद जानते हो कि मेरा शेड्यूल कैसा है और काफ़ी बिजी ही है शेड्यूल, तो उस हिसाब से मैं रात को सिर्फ ब्रश और फेस वॉश दोनों साथ में करती हूँ, क्योंकि ब्रश भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और फेस वॉश और नाइट क्रीम तब लगाती हूँ। तो ये सब ग्लो हमारे भी ऐसा हो जाएगा फेस अगर हम परचेज करेंगे तो। और अभी तक हमसे जितने भी लोगों ने मिशेल के प्रोडक्ट लिए हैं
सब लोगों का एक नंबर रिजल्ट है, यानी अभी तक मैंने तो एक कस्टमर की भी कंप्लेन तो नहीं सुनी, कंप्लेन का इफेक्ट नहीं है ऐसा भी नहीं सुना है, काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स हैं और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट है। और अब मैं आपसे ज़्यादा बातें ना करते हुए मेरा जो पर्स का स्टफ़ आया है उसको अनबॉक्स करती हूँ। चिकू पकड़ेंगे मेरा कैमरा और मैं इसको अनबॉक्स करूँगी। मैं आज इतनी थकी हूँ ना, तो मेरे को थकान जैसा लग नहीं रहा है। क्या ब्लॉग करने में मज़ा आ रहा है आज सच में यार, पर ये खोलूँ की कैसे, इन सब चीज़ों में चिकू है माहिर। अब मैं तो ये चाबी वाबी से मेरे से नहीं खोलता ध्यान से। ये तो क्या है, अच्छा ये तो पॉकेट टिश्यू है। पॉकेट टिश्यू हम पहले भी कैरी करते थे पर अभी हो गए थे ख़त्म, क्योंकि ला नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम शॉपिंग पे भी कहीं जा नहीं रहे, बाकी मॉल्स वगैरह में जाते थे तो ये चीज़ें आ जाती थी। पर चिकू ने चेक किया कि मेरे पर्स में पॉकेट टिश्यू की ज़रूरत है, यानी ज़रूरत क्या है ही नहीं, तो उन्होंने मेरे लिए ऑर्डर कर दी है। और काफ़ी अच्छी कॉम्पैक्ट साइज़ है, पर्स में रखने के लिए कंप्लीट सही है, क्योंकि गर्ल्स के पर्स में तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि हम मेकअप को कैरी करते हैं और मेकअप को कभी रिमूव करना है या फिर लिपस्टिक को सेट करना है या फिर डस्ट को भी हटाना है, उसके लिए बेस्ट चीज़ है। और एक वो भी मंगवाया था ना, जैसे कि अभी मैंने बना दिए हैं मेरे लिए सैंडविचेस, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और मुझे हर कुछ खाने की इच्छा नहीं थी। मैंने सोचा था ओट्स ही खा लूँगी, पर नहीं, मुझे भूख अच्छी वाली थी, तो मैंने कहा क्यों ना ब्रेड पड़ी हुई है वो भी हमारी फेवरेट वाली, तो सैंडविच बनाया जाए। क्या मादा कुटकनी सैंडविच, और सैंडविच मेरे को मेरे ही हाथ के अच्छे लगते हैं, किसी के हाथ के नहीं, होटल के नहीं, कहीं के भी नहीं पसंद है, सिर्फ मेरे हाथ के। एक चीज़ है जो मुझे मेरे हाथ की ही भाती है और एक वो है जो चिलड़े, जो मुझे मेरे हाथ के भाते हैं। खाना वगैरह सब खा लिया है और टॉवल धुल रहे हैं, जैसे ही धुल जाते हैं वैसे ड्राई करके सुखा दूंगी ताकि सुबह सैलून ले जाऊं, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी इसलिए। और आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे व्लॉग में, बाय।